guys, my name is Krishika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's that time again जब बहुत अच्छी सेल शुरू हो गई है Nykaa पर. You guys love my Nykaa haul. So there you go. We have another sale on Nykaa going on, which is their Pink Love sale because it's the month of love. Valentine's Day है आता है इस मंथ में, तो obviously बहुत अच्छी डील्स भी आती है Nykaa पर. ये Pink Love sale पर तो वैसे भी बहुत अच्छी आपको डिस्काउंट मिलते हैं. The main purpose of this video is to give you guys some good recommendations. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं इसके अलावा भी दिखाने वाली हूँ जो बहुत अच्छी डील पर है that I personally love. बहुत सारी ब्रांड्स हैं मेरे पास आज शोकेस करने के लिए, तो सारी ब्रांड्स पर जो जो डील है मैं साथ साथ शेयर भी करती जाऊंगी. सो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कौन सी ब्रांड पे कितना ऑफ है या फिर क्या फ्री मिल रहा है. सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. आई एम गोना गो इन वेरी रैंडम मैनर. ऑब्वियसली मैंने देख लिया है क्या क्या है इसके अंदर. मेरे से पहले मेरे हस्बैंड ने देख लिया था बिकॉज ही इज मोर एक्साइटेड अबाउट सच अनबॉक्सिंग थिंग्स मोर देन मी. मैं यहाँ पर नहीं थी जब ये बॉक्स रिसीव हुआ एंड लिटरली वीडियो कॉल मी शोइंग कि क्या क्या आया है इस बार. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर वन, वी हैव द पैम्पलेट जो हर बार आता है. नाउ इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, आई विल गो रैंडमली. सबसे पहले है मेरे पास ये इनसाइट कॉस्मेटिक्स की प्रो कंसीलर पैलेट. ये मेरे पास पहले भी बहुत पहले था. आई एम नॉट रियली श्योर ये वाला शेड था कौन सा था. वो मैंने अमेजोन से लिया था, लेकिन अब Nykaa पर भी इनसाइट कॉस्मेटिक्स आ चुका है एंड इनसाइट इज अ सुपर अफोर्डेबल ब्रांड और ये Nykaa पर और अच्छी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगी. प्लस इस पर डील्स भी अच्छी अच्छी चल रही हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छी सेल पर मिल जाएगा. नाउ दिस वन इज द प्रो कंसीलर पैलेट. इसके अंदर आपको ऐसे पूरा व्हील मिलता है. इट इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ अ वेरी ह्यूज ब्रांड. आई एम नॉट रियली श्योर क्रायलॉन या फिर निक्स कोई ऐसा एक व्हील बनाता है. सो ये उसी की कॉपी है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दीज आर वेरी पिगमेंटेड. मैंने यूज भी किया हुआ है, मेरे अपने घर पे रखा भी हुआ है पुराने वाला पैलेट. दीज आर वेरी वेरी पिगमेंटेड. सो दीज आर बेसिकली फॉर कलर करेक्शन. लाइक ऑरेंज से आप डार्क स्पॉट्स कलर करेक्ट कर सकते हो इससे, अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो और आपके यहाँ से वेन्स दिखती हैं. काफ़ी लड़कियाँ होती हैं एक्सट्रीमली फेयर होती है और यहाँ पे उनकी वेन्स दिखती हैं, तो उसको आप लैवेंडर पर्पल से कलर करेक्ट कर सकते हो. देन वी हैव स्लाइटली येलोइश सो दैट आप हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स को कलर करेक्ट कर पाओ. ग्रीन भी है हमारे पास, तो इसके अंदर सारे कलर्स के आपको कंसीलर मिल जाएंगे. इसका अगर मैंने कहीं रिव्यू किया होगा तो मैं यहाँ का लिंक कर दूंगी, मैंने पहले यूज़ किया हुआ है. वेरी अफोर्डेबल लाइक बिगिनर्स के लिए. अगर आप बिगिनर हो, आप अपनी एक बेसिक मेकअप किट बना रहे हो, अभी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं लेना, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज इससे सस्ता कलर करेक्टिंग पैलेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला. आई टोल्ड यू गाइस साइड बाय साइड में अपने रिकमेंडेशन भी करने वाली हूँ. सो इनसाइट कॉस्मेटिक्स में मैं ये दो रिकमेंडेशन करूँगी जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ. मैंने यहीं पर ही रखे हुए हैं स्टूडियो रूम में टचअप करने के लिए. सबसे पहले है इनसाइट कॉस्मेटिक्स का ये हाइलाइटर. दिस इज इन द शेड सैवेज बार्बी 05. सो ये सिंगल सिंगल ऐसे पैन में आते हैं. दीज आर वेरी पिगमेंटेड. लाइक ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है. बिगिनर्स होना, आपको एक अच्छा क्रीमी हाइलाइटर चाहिए, आप इसको ऐसे डैप डैप कर सकते हो, आईज के ऊपर लगा सकते हो. मल्टी यूज प्रोडक्ट आप डेफिनेटली ले सकते हो. एंड बाय द वे, इफ यू नोटिस, आई एम नॉट अप्लाइड एनी मेकअप. मैंने लिटरली कुछ भी बेस नहीं लगाया हुआ, जस्ट लिपस्टिक एंड लाइनर, बिकॉज मैंने कल ये क्लिनिकल ट्रीटमेंट कराई है एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट के 2 दिन तक आप कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते. जस्ट दैट मॉइस्चराइजर जो डोमैट ने रिकमेंड किया है, तो अभी खाली मैंने वही लगाया हुआ है, इसलिए नो मेकअप लुक आपको देखने को मिल रही है. जो ग्लो आ रहा है ना, ये वो क्लिनिकल फेशियल का ही आ रहा है, ये कोई मेकअप का ग्लो नहीं है. सो ये हाइलाइटर मेरा फेवरेट है. ये आई थिंक 99 या फिर 110 रुपीज़ के मिलते हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हो. सेकंड वन इज दिस ब्लशर. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनसाइट के पास 2 ब्लशर थे. मैंने एक रील भी बनाई थी, आई थिंक मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी डाली थी. अगर नहीं डाली होगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम रील्स के सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने इसका रिव्यू किया था. 2 ब्लशेस मैंने ट्राई किए थे, बट दिस वन इज माय फेवरेट. दिस इज 01 सॉफ्ट सैल्मन. एक मैंने यहाँ पर रखा हुआ और एक मैंने आई थिंक किसी बैग में रखा हुआ है. बहुत प्यारा पीची पिंक कलर है. आई थिंक इफ यू आर वेरी फेयर ना, तो आपको डेफिनेटली सूट करने वाला है बिकॉज इसका एक पीचिश जैसा कलर आता है. ये तो डेफिनेटली आप ले सकते हो. इनके जितने पैन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे क्रीमी होते हैं. द ओनली थिंग इज ये स्लाइटली ग्रीसी हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े से ग्रीसी हैं, तो अगर आपकी सुप्रीमली ऑयली स्किन, आपको थोड़ा बहुत लूज पाउडर से सेट करना पड़ेगा, बट अदरवाइज दे आर फुल कवरेज, दे आर रियली गुड क्वालिटी एंड फॉर द प्राइस पॉइंट डेफिनेटली अ बिग येस. नेक्स्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम के ब्यूटी. हमेशा ये पिंक लव बॉक्स में कुछ ना कुछ होता ही है के ब्यूटी से. सो दिस टाइम वी हैव 24 आवर लास्टिंग ट्रांसफर प्रूफ स्मच प्रूफ काजल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आई थिंक ये रिट्रैक्टेबल नहीं होगी, ये शार्पन करने वाली पेंसिल होगी. खोल के देखते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आई रियली लाइक द फाउंडेशन एंड कंसीलर. वेरी वेरी ह्यूज फैन. विंटर्स में तो इनफैक्ट मैं इन्हीं के बेसिस यूज़ करती हूँ. मुझे इनका के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन बहुत पसंद है बिकॉज विंटर ड्राई स्किन पे वही मुझे सूट करता है. रियली लाइक द कंसीलर. इनके कंसीलर्स में काफ़ी अच्छे कलर करेक्टिंग शेड्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो. अगेन वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. अगर आपकी अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई और ऐसे क्रैक्स पड़ते हैं ना जल्दी, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप के ब्यूटी के कंसीलर्स ट्राई करो. रियली लाइक द लूज पाउडर. इनके एच डी लूज पाउडर बहुत अच्छे हैं. दे आर लाइक सुप्रीम टॉप क्वालिटी. सो के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली ले सकते हो. ये सिंगल सिंगल इतने अच्छे डील पे नहीं आते, बट जब भी सेल आती है इनके कॉम्बो ऑफर्स बहुत अच्छे होते हैं. कुछ ना कुछ आपको फ्री में मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हो. सो दिस इज अ ब्राउन कलर. pencil and this is how it looks like. I definitely wanted a brown kajal बहुत time से because कभी कभी smoky eye करो ना तो black smoky eye बहुत ज़्यादा dark लगती है, so ऐसे brown color से beautiful लगती है. Next up we have something from Neutrogena. ये है Neutrogena का Ultra Sheer Dry Touch Block SPF 50. ये मैंने अपने college days में बहुत use किया हुआ है because उस time बहुत कम brands होती थी like 2013, 12. मैंने तो इनफैक्ट 10th या 11th से सनस्क्रीन लगानी शुरू कर दी. 2009 या 10 से मैंने सनस्क्रीन शुरू कर दी थी लगानी एंड मैं उस टाइम लोटस हर्बल यूज़ करती थी और फिर कॉलेज में आते आते मुझे न्यूट्रोजेना का पता चला. तब मुझे पता चला कि एक फिजिकल सनस्क्रीन भी होती है जो सेफ रहती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल सनस्क्रीन. अब वैसे वो मिथ पूरा ब्रेक हो चुका है बिकॉज अब मार्केट में बहुत सारी केमिकल सनस्क्रीन हैं जो ऑक्सीबेंजोन OMC फ्री हैं, तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. तो मैंने इनकी इनिशियली यही वाली सनस्क्रीन बहुत यूज़ करी है. दिस इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट. ऑल्सो रिमेंबर ये बिल्कुल मैट है, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. इसके क्लेम्स में भी लिखा हुआ है दिस इज अल्ट्रा लाइट नॉन स्टिकी इंस्टेंटली एब्जॉर्ब. इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है, अल्कोहल, पैराबिन, ऑक्सीबेंजोन. ओ दिस इज ऑक्सीबेंजोन फ्री. आई थिंक जब मैं यूज करती हूँ उस टाइम में क्लेम नहीं था, मे बी इन्होंने फॉर्मुलेशन थोड़ी अपडेट कर दी होगी. सो या दिस इज सूटेबल फॉर सेंसिटिव एंड पिंपल प्रोन स्किन. सो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी सूटेबल है. न्यूट्रोजेना पे बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं. इनका जो वाटर जेल वाला आता है ना मॉइस्चराइजर, मुझे वो काफी पसंद है, वो भी आप ले सकते हो. दिस सनस्क्रीन इज रियली नाइस. नेक्स्ट अप आई हैव 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लम, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड. लव इट. प्लम पर तो बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं जब नायका पर सेल होती है. कॉम्बो डिस्काउंट्स बहुत अच्छे आते हैं. सबसे पहले मेरे पास उनका राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड 10% सीरम. इसका तो मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल पर. यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सर्च प्लम नाइसिनामाइड सीरम कशिका. आप आगे कशिका टाइप करोगे आपको रिजल्ट्स में दिख जाएगा. लव 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 दिस वन. अभी भी कोई इंस्टाग्राम की Q&A में मेरे से पूछता है ना कोई अच्छा नरिशिंग वाला सीरम बताओ या फिर एक्ने मार्क्स के लिए कोई सीरम बताओ, आई ऑलवेज रिकमेंड नाइसिनामाइड सीरम. और उसमें ड्राई स्किन कैटेगरी में मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ बिकॉज उसका जो राइस वाटर फॉर्मुलेशन है ना वो बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है. लाइक अभी का जो वेदर है थोड़ा सा विंट्री, हल्की सी स्किन ड्राई रहती है, उसके लिए बहुत अच्छा सीरम है. मेकअप करने से पहले भी आप उसको यूज कर सकते हो बिकॉज की हाइड्रेशन बहुत अच्छी है. सेम रेंज का मेरे पास मॉइस्चराइजर भी है, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया. दिस इज द राइस वाटर नाइसिनामाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम. ये बाद में लॉन्च हुआ था आई थिंक, सबसे पहले इन्होंने सीरम लॉन्च किया था. सो ये सेम रेंज का ही जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. द पैकेजिंग इज वेरी सिमिलर टू न्यूट्रोजेना का जो ऐसे वाला आता है ना जेल फॉर्मुलेशन वाला मॉइस्चराइजर, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बट द पैकेजिंग इज वेरी सिमिलर. लेट मी सी द ओह इट्स एक्चुअली वेरी सेम. न्यूट्रोजेना का भी बिल्कुल ऐसा ही आता है. इट्स लाइक अ वेरी नाइस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. ओह इट हैज़ नो फ्रेगरेंस विच इज़ अ गुड थिंग. इस वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट शो कर रही हूँ, अगर कुछ भी आपने ट्राई किया, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, बुरा रहा हो या जैसा भी रहा हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट का एक मिनी रिव्यू देना चाहते हो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. आई ऑलवेज से कॉमेंट सेक्शन को भी थोड़ा सा यूजफुल बनाओ ताकि कोई पढ़े तो उसको भी कुछ नया सीखने को मिले. तो अगर आपने कुछ भी ट्राई किया हो जो इस वीडियो में दिखा रही हूँ एंड आपका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, जैसा भी रहा हो, प्लीज़ नीचे एक रिव्यू डाल देना. Okay, next up we have perfume. We have a perfume from Carlton London. This is the Overdose Eau de Parfum. Ooh, love the bottle. काफ़ी beautiful, एकदम Valentine's perfect bottle है. अगर आप किसी को Valentine Day gift करना चाहते हो ना, आप definitely ये perfume दे सकते हो बिकॉज ये काफ़ी अच्छा लगता है. वैसे भी काफ़ी लोग Valentine's Day पे ऐसे perfume ही gift करना prefer करते हैं. So let me just sniff it, how it is. काफ़ी fine mist आया. It's nice. It's refreshing, लेकिन इसका जो थोड़ी देर बाद एक नोट आ रहा ना, इट इज़ फ्लोरल. इसमें लिखा भी हुआ है इट इज़ फ्रूटी, इट्स फ्लोरल, इट इज़ फ्रेश, लाइक प्लेफुल. या एग्जैक्टली वही इसकी कुछ भी ब्लेंड ऑफ प्लम एंड देन ट्रांजिशन टू रिफ्रेशिंग नोट्स ऑफ जैस्मिन. ओके, सो अगर आपको ये जैस्मिन सॉर्ट ऑफ परफ्यूम्स पसंद है आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. लव द पैकेजिंग एज वेल, गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी है. द प्राइस इज 1890 बट आई एम श्योर नायका की सेल पर बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल होगा. जो भी डील्स होंगी मैं यहाँ पे मैंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे विद ऑल द डील्स बिकॉज अभी मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांड पे क्या डील चल रही है बिकॉज ऑब्वियसली अभी सेल लाइव नहीं हुई है. तो जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ चेक कर लेना. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन बाय ट्रेस्मे, पिंक बॉक्स. ये जब भी आता है ना हमेशा ट्रेस्मे का कोई ना कोई प्रोडक्ट आता है. लास्ट टाइम वो केराटिन वाला शैम्पू आया था, वो तो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ. इनफैक्ट मेरे पास एक और बैकअप की बॉटल पड़ी है एंड आई थिंक ये सेम रेंज का ही कंडीशनर है, ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है. दिस इज द ट्रेस्मे केराटिन स्मूथ आर्गन ऑयल कंडीशनर. ये भी काफ़ी अच्छा है. मैंने तो इस ब्रांड के साथ वर्क भी किया हुआ है. इनका सीरम, कंडीशनर, शैम्पू मैंने प्रमोट किया हुआ है. पर्सनली लव इट. अब ट्रेस्मे की वैसे भी अपडेटेड फॉर्मुलेशन आ गई है, उसमें सल्फेट थोड़ा सा कम है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. शैम्पू तो मैं अभी भी काफ़ी बार यूज़ करती हूँ एंड द कंडीशनर इज ऑल्सो नाइस. नेक्स्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम एम कैफीन. यह है एम कैफीन का एस्प्रेसो कॉफी बॉडी वॉश विद नेचुरल कॉफी एंड AHA. दिस इज फॉर टैन रिमूवल, एक्सफोलिएशन. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इनका एक कॉफी बॉडी वॉश आता था बिल्कुल कॉफी वाले कप में, मतलब ऐसा लगता है जार है वो कॉफी का, वो बिल्कुल वैसी वाली पैकेजिंग में आता था एंड आई थिंक ये उनका कोई रिफॉर्म वाली पैकेजिंग होगी. सो दिस फॉर एक्सफोलिएशन एंड टैन रिमूवल. सो आई थिंक इसके अंदर वो ग्रैन्यूल्स होंगे बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट नहीं है ट्यूब तो मैं गेस नहीं कर सकती. एम कैफीन का जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो तो डेफिनेटली इनका वो बॉडी स्क्रब है जो मेरे पास अभी मेरे घर पे रखा हुआ है. वेरी वेरी नाइस. लाइक अगर आपको अच्छे एक्सफोलिएशन करना पसंद है ना एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो मत लेना बिकॉज वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा आपके लिए. आप ये ऐसे वाले बॉडी वॉशेज ले सकते हो जिसके अंदर माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं. बट अगर आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है और डेड स्किन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, लाइक काफ़ी बम एरिया पे हो जाती है, अंडर आर्म्स पे, बैक पे, तो डेफिनेटली आप वो कॉफी बॉडी स्क्रब ले सकते हो. वो बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है स्किन को. ओके, नेक्स्ट अप यार समथिंग फ्रॉम लॉरियल. दिस इज द हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम. नाइट क्रीम फॉर व्हाट? फॉर हेयर. ओके, दिस इज फॉर मोर हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस, लीव इन नो वे डाउन. ओके, सो ये बिल्कुल डिहाइड्रेटेड और सूखे बालों के लिए नाइट क्रीम है. नाइट क्रीम इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर. आजकल भी मार्केट्स में इतनी ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है जो नाइट क्रीम्स बनाती हो. आई रिमेंबर मैं पहले हिमालय की यूज़ करती थी, इतने से टब में आती थी, 90 something रुपीज़ की आती थी. अब तो शायद महंगी होगी. मैं अपने कॉलेज टाइम में वही अप्लाई करती थी रात को ऐसी लगा के एंड सुबह हेयर वॉश करती थी, अच्छे नरिश हो जाते थे बाल. सो ये एक सॉर्ट ऑफ एक मॉडर्न वर्जन है उसका. ये हाइलुरॉन रेंज है जो इन्होंने बालों के लिए भी निकाली है. इनकी हाइलुरॉनिक एसिड वाली जो फेस की रेंज है वो तो मेरी फेवरेट है बिकॉज दैट्स लाइक अ नो फर्स्ट नाइस हाइलुरॉनिक एसिड रेंज. मैंने अपनी रीसेंट एमटीज वीडियो में भी वो फीचर करी थी. आई लव इट. सो ये उसी रेंज का एक हेयर वर्जन है. सो इसको आई थिंक आप रात को लगा के सो सकते हो. दिस इज अ डीप हेयर ट्रीटमेंट व्हाइल यू स्लीप. तो आप इसको रात को लगाओ और नेक्स्ट डे सो जाओ, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, रात को सो जाओ. उसके बाद जब हेयर वॉश करोगे आई थिंक ये अच्छी नरिशमेंट देने वाली है. सो अगर आपके बालों में फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ऐसे झाड़ू जैसे ड्राई बाल हो जाते हैं ना, स्पेसिफिकली जब कुछ ना कुछ हीट ट्रीटमेंट कराओ. मैं ऐसी ट्रीटमेंट्स तब ज़्यादा यूज़ करती हूँ जिस दिन मैं कोई कर्लिंग करती हूँ, कोई प्रेसिंग करती हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा जब वो हीटिंग प्लेट्स टच होती है ना बालों से, बाल जलते हैं तो डलनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है. सो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर मैं कुछ भी कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग कराऊंगी और नेक्स्ट डे जब मुझे हेयर वॉश करना होगा मैं ये यूज़ करूँगी. एक रिव्यू के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा. मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बहुत रिव्यूज़ करती हूँ. ट्रस्ट में मैं इतने रिव्यूज़ यहाँ पे चैनल पे नहीं करती, अपने पोस्ट या फिर रील्स पे नहीं करती. मैं जितनी अपनी स्टोरीज़ पर करती हूँ और स्टोरीज़ पर ही रिकमेंडेशंस भी आने वाले हैं बिकॉज जो भी सेल रिकमेंडेशंस होते हैं, आप लोग जो भी मेरे से पूछते हो कि हमें ये लेना है या फिर किसी का स्वॉच दिखा दो या फिर उसका शेड दिखा दो, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर ही करती हूँ Q&A फॉर्म में. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. जब ये नायका की सेल लाइव हो जाएगी मैं अपने पेज पर एक रिकमेंडेशन भी करने वाली हूँ विच इज़ लाइक माई रिचुअल जो मैं हमेशा करती हूँ. सो वहाँ पर आप जाके कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो और वहाँ पे आपको मिनी रिव्यूज ही मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग जो मेरे पास ऑलरेडी है. काफ़ी खुशी होती है जब कुछ आता है और ऑलरेडी रखा होता है बिकॉज देन आई कैन सेव इट टू गिफ्ट समवन या फिर मैं आपको एक गिव अवेज में दे देती हूँ बिकॉज आई लव शेयरिंग विद यू गाइज एज वेल. एंड कश्माना पर भी मैं बहुत सारी फ्रीबीज देती हूँ. अगर आपको नहीं पता आई हैव अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ कश्माना फैशन. मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी. सो वहाँ पे जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना कॉट सेट्स के, मैं सबके साथ कुछ ना कुछ फ्री में देती हूँ. एडिशनली स्किन केयर, मेकअप, काफ़ी बार तो वो कॉट सेट की वैल्यू 1000 होती है और मैं 700-800 का सीरम ऐसे ही डाल देती हूँ बिकॉज आई लव शेयरिंग गिफ्ट्स विद यू गाइज एज वेल. मेरे पास बहुत सामान है जो मैं यूज़ नहीं कर पाती, जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो मैं फ्री बीज में निकाल देती हूँ. सो मेक श्योर शॉप फ्रॉम माई ब्रांड. इट्स लाइक अ स्मॉल इनिशिएटिव जो आप मेरे लिए भी कर सकते हो टू जस्ट सपोर्ट योर गर्ल इन ऑन्टरप्रनोरशिप वर्ल्ड. सो मेक श्योर शॉप देयर एज वेल. सो ये वाला मेरे पास ऑलरेडी रखा है. दिस इज बेसिकली जस्ट हर्ब की ये मिनी लिपस्टिक सेट है मेरे पास यहाँ पर रखी है. मैं लेके आई हूँ स्पेसिफिकली. मैंने इस पर रील ऑलरेडी बनाई हुई है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ऐसे बैक स्टाइल में आती है एंड वंस यू ओपन इट वी हैव लॉट ऑफ मिनी लिपस्टिक्स इनसाइड इट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक लिटरली कैप्सूल हैं. अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे बैग्स कैरी करना पसंद करते हो ना जो आजकल ट्रेंडी में चल रहे हैं, इतने से बैग होते हैं, फिर हम सोचते हैं उसमें क्या ही फिट आ पाएगा, उसके अंदर ये लिपस्टिक ज़रूर फिट आ जाएगी. और सबके ऊपर नाम भी लिखे हैं लाइक दिस इज पीची कोरल. सो अगर आपको ये लिपस्टिक्स पसंद आती है ना आप जस्ट हर्ब्स के ब्रांड से इसका फुल साइज भी ले सकते हो. दिस इज मोर लाइक अ ट्रायल वर्जन बट ये अच्छी हैं. आई रियली लाइक इट. मुझे तो टचअप करने के लिए, वैसे शूट करने के लिए अच्छी लगती है इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है. एक छोटी सी भी है, स्पेस ज़्यादा ही लेती और काफ़ी अच्छी आपको वैरायटी मिल जाती है. सो वी हैव ब्यूटीफुल शेड इनसाइड इट. हमारे पास पिंक शेड मिलता है, इसके अंदर मरूनिश, रेड, मतलब आपको न्यूड शेड्स में ना काफ़ी सारे इसके अंदर शेड्स मिल जाएंगे. 16 शेड्स हैं इसके अंदर. मैं सारे तो सोच नहीं कर सकती बट या यू कैन सी काफ़ी सारे आपको शेड्स मिल जाएंगे. सो दिस हाउ द लिपस्टिक्स लुक लाइक. आई नो दिस इज नॉट द बेस्ट एंगल टू शो बट ये बहुत ज़्यादा टाइनी टाइनी और छोटी सी हैं तो मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ. नेक्स्ट वी हैव अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम डॉट एंड की. डॉट एंड की का विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है एंड आई थिंक मैंने अपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर में फीचर भी किया था. आई ऑलरेडी हैव अ फुल साइज ऑफ दिस वन इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रही. इट्स अ वेरी नाइस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. हल्का सा इसका एक येलो टिंट आता है. डॉट एंड की पर बहुत अमेजिंग ऑफर आते हैं नायका की सेल पे। इनफैक्ट काफी सारी चीजें आपको फ्री में भी मिलती हैं। जो भी ऑफर होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मेरे पर्सनल फेवरेट डॉट एंड की में से है। सबसे पहले इसकी स्टिक सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी नरिशिंग है और ईजी टू अप्लाई है। सो आप इनकी स्टिक सनस्क्रीन ले सकते हो। इनके लिप ग्लॉसेस बहुत अच्छे हैं। लिप बाम जो आते हैं डॉट एंड की के, इनका एक लिप प्लम्पिंग ट्रीटमेंट आता है ओवरनाइट वाला, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। देन देयर हैंड एंड फुट क्रीम इज वेरी नाइस। इसकी एक सेरामाइड रेंज आती है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, ब्लू कलर की आती है। सेरामाइड रेंज का फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, काफी अच्छा जेंटल मॉइस्चराइजर है। और अगर आप एक्ने प्रोन स्किन की बात करो, इनकी एक प्रॉपर सीका रेंज आती है विच इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो आप वो भी देख सकते हो, वो भी काफी अच्छी है। अगर आपकी सुप्रीमली एक्ने प्रोन स्किन है ना, आप इनका सीका वाला जेल यूज करके देखना। इट्स एन ओवरनाइट जेल, आप रात को लगाओ एंड सुबह फेस वॉश कर सकते हो। वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, टॉकिंग अबाउट एक्ने, वी हैव अ प्रोडक्ट फ्रॉम एक्ने कैटेगरी ओनली। ये है एक्ने स्क्वाड का ब्रेकआउट टर्मिनेटर स्पॉट करेक्टर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये एक्ने स्क्वाड की ब्रांड के बारे में मैंने काफी सुना है बिकॉज काफी क्रिएटर्स ने भी इसको इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी प्रमोट किया था। मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं करी। दिस इज नॉन कॉम्पिटोजेनिक, को क्रिएटेड विद डर्माटोलॉजिस्ट। सो इट्स अ स्पॉट ट्रीटमेंट जो बिल्कुल भाई स्पॉट ट्रीटमेंट वाली पैकेजिंग में आती है। एंड वंस यू ओपन इट, हाउ डू, ओके सो वी हैव अ पेन सॉर्ट ऑफ थिंग राइट हियर। हाउ कूल इज दैट। बिल्कुल पेंसिल लग रही है, काफ़ी कूल लगी मुझे इसकी पैकेजिंग। सो आई थिंक इसको यहाँ से हटाना होगा। नो तो इसमें आएगा कैसे प्रोडक्ट? ओके, आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू यूज इट। इसको यूज कैसे करना है ब्रेकआउट? ओके, How to use it? Apply thin layer on around the acne breakout for maximum impact. Use AM and PM after your sunscreen. So इसके अंदर salicylic acid, zinc, niacinamide, vitamin C, green tea extract, tea tree extract. Zinc is proven molecule to help fight with acne and regulate excess sebum. So इसमें basically सारे वो ingredient है जो overnight acne को सुखाने में काम करते हैं। But ये निकलेगा कैसे? Like how do we use it? बहुत ज़्यादा आ गई और लिपस्टिक भी लग गई इस पे। ओ गॉड, आई मेस्ड अप द पैकेजिंग। इसके ऊपर साइड लिपस्टिक लग गई। बट यार, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। मेरा प्रोडक्ट भी आगे से थोड़ा सा मेसी हो गया। सो इट्स लाइक अ स्पॉट ट्रीटमेंट थिंग। आप डायरेक्टली इसको अपने एक्ने पर ऐसे डैप डैप कर सकते हो। अभी तो ऑब्वियसली मैं नहीं लगा सकती बिकॉज आई हैव क्लिनिकली ट्रीटेड स्किन। वी हैव अनदर फेवरेट ब्रांड ऑफ माइन। दिस इज कार्मेसी फेशियल हेयर रिमूवल रेजर्स। ये मैंने ऑलरेडी प्रमोट करे हुए हैं। बहुत पहले मैंने इनके साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो भी बनाई थी। सो दिस इज अ पैक ऑफ 2-1। इसके साथ आपको फुल साइज वाला मिलता है फॉर योर फेस। सो इसको आप डायरेक्टली अपने पीच फर्स्ट के साइड्स के एरिया पे या फिर अपर लिप्स पे यूज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द मिनी वन विच इज वेरी 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 एसेंशियल। दिस वन इज सुपर हैंडी फॉर सच एरियाज लाइक ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया के लिए, सेंटर के एरिया के लिए, साइड्स के लिए, यहाँ पे एक एज देने के लिए ये वाला रेजर काफी अच्छा रहता है। सो दीज आर वेरी नाइस फॉर आईब्रोज ग्रूमिंग। एंड इफ यू आर बिगिनर तो आप ये ले सकते हो बिकॉज जब आप बिगिनर होते हो ना, फेशियल शेविंग आपको नहीं आती, आपको नहीं पता एंगल कैसे रखना है, कैसे पकड़ना है। अगर आप इतने बड़े रेजर से अपनी आईब्रोज यू करोगे ना तो नहीं हो पाएगी, कट और लग जाएगा। सो यार, दीज आर रियली नाइस। ये मैंने यूज़ करे हुए हैं, ट्राई करे हुए हैं बहुत बार, 2-3 बार तो मैंने खुद भी अमेजोन से परचेज करे हुए हैं। सो ये नायका पर भी अवेलेबल है। दिस वन इज़ फॉर 199 एंड अगेन यू कैन फाइंड इट ऑन गुड डील। वी हैव रेने की पीएच ब्लश मैडनेस। आई थिंक दिस इज फ्रॉम द सेम रेंज ऑफ द लिप बाम। मुझे इनका पीएच लिप बाम बहुत पसंद आया था। मतलब इट्स लाइक अ कलर चेंजिंग लिप बाम। ब्लैक कलर का होता है, जैसे आप लगाओगे ना एक बड़ा प्यारा सा पिंक कलर आएगा। सो उन्होंने सेम रेंज का एक ब्लश भी ऐसा निकाला है। वेरी वेरी स्लीक पैकेजिंग है। ये तो बाहर से ऐसा मोटा मोटा लग रहा था लेकिन पैकेजिंग काफ़ी स्लीक और पतली सी है। सो आपने कोई भी छोटे से बैग में रख सकते हो। एंड प्लास्टिक की पैकेजिंग है। एंड वंस यू ओपन इट, हमारे पास कोई मिरर नहीं है सैडली यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये भी आई थिंक सेम लिप बाम वाली फॉर्मुलेशन टाइप का ही होगा। आप इसको जब अप्लाई करोगे ऐसे पिंक कलर आ जाएगा। मैंने किसी का रिव्यू देखा हुआ ऑलरेडी, सो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। डेफिनेटली जब मैं अप्लाई करूंगी तो मैं इसका एक रील बनाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं रील पे इसको ट्राई करूंगी सो दैट आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन भी देखने को मिल जाए। एंड ये पीएच रेंज अपने आपको बोलते हैं कि आपके जो स्किन का पीएच लेवल होता है, बॉडी का जो पीएच लेवल होता है, उससे अडेप्ट करके बेसिकली कलर आता है आपके चीक्स पर। सो आई डेफिनेटली ट्राई एंड रिव्यू। नेक्स्ट वी हैव अ मैंडेटरी थिंग जो हर बार आती है बाय मिनिमलिस्ट। ये है मिनिमलिस्ट का वाइटामिन सी 10% सीरम। दिस आउट लुक्स लाइक। या तो वाइटामिन सी सीरम होता है फिर सैलिसिलिक एसिड सीरम होता है, दोनों में से एक तो हमेशा होता है। मिनिमलिस्ट पे बहुत सी डील चलती है नायका पर। जब भी सेल होगी चेकआउट करना, या तो buy 1 get 1 मिलता है, कुछ ना कुछ ऑफ में मिल जाता है, कुछ ना कुछ फ्री में मिल जाता है। सो मिनिमलिस्ट की जो अपडेटेड फॉर्मुलेशन है ना, इन्होंने रिसेंटली अपनी पूरी फॉर्मुलेशन अपडेट करी है। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। आई डोंट नो इफ इट्स मी और यू गाइज ऑल्सो एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट। आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको इनकी न्यू वाली फॉर्मुलेशन इतनी पसंद पसंद आ रही है फिर नहीं आ रही। मुझे पहली वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी। अगर आपने लेटेस्ट वाली यूज़ करी है, सूट करी है, तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वी हैव लिव वाटर गर्ल, सबके कॉलेज का बॉडी मिस्ट, हाउ इट लुक्स लाइक। दिस वन इज़ इन द वेरिएंट सीक्रेट क्रश। एकदम इन्होंने वैलेंटाइन परफेक्ट ऐसा भेजा है। अगर आप भी किसी को वैलेंटाइन डे गिफ्ट करना चाहते हो, ये वाली बॉटल आप दे सकते हो बिकॉज इसकी एकदम वैलेंटाइन वाली वाइब है। आई थिंक ऐसे प्रोडक्ट ना हैम्पर बनाने के लिए भी अच्छे हैं। अगर आप वैलेंटाइन का हैम्पर खुद बना रहे हो ना, तो यू कैन गैदर सच प्रोडक्ट्स लाइक ऐसा ले लिया, एक परफ्यूम ले लिया, कुछ पिंक में लिपस्टिक ले ली, लिप ग्लॉस ले लिया। मुझे तो ऐसे DIY पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। स्निफ इट। ओह व्हाट इज दैट मिस्ट। काफ़ी फाइन मिस्ट आई है। ओके बहुत मीठी है, एकदम बहुत मीठी है, बहुत मीठा बॉडी मिस्ट है। मुझे इतनी स्वीट खुशबू नहीं पसंद, बट इफ़ यू आर समवन जिसको ऐसे मीठी मीठी खुशबू पसंद है, स्वीट नोट्स पसंद है परफ्यूम के, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट अ स्वीट पर्सन, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ओके देन वी हैव मेकअप एज वेल। सबसे पहले है हमारे पास फ्रॉश का लग्जूरियस मैट लिपस्टिक। ये मैंने यूज़ कर लिया है। मैंने अभी रिसेंटली एक लुक क्रिएट करी थी, उसके अंदर मैंने यही यूज़ करी थी। एक डार्क लिप लाइनर के साथ मैंने अप्लाई करी थी बिकॉज ये जो शेड है ये काफ़ी लाइट है। This is the shade Flirtist। फ्रॉश के मेकअप आजकल काफ़ी चल रहे हैं, लाइक द आई शेडोज एंड ऑल, काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट भी प्रमोट कर रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। आई थिंक इट्स प्रिटी नाइस। इसको मैं ऐसे भी यूज़ करूँगी, चलेगा। बट काफ़ी बार ऐसा होता है ये वाले जो शेड्स होते हैं ना, ये से वॉश आउट करते हैं मेरी स्किन पे, या फिर ऐसे लिप्स बड़े छोटे छोटे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, डार्क लिप लाइनर लेती हूँ, लिप लाइन करती हूँ, फिर ये अप्लाई करती हूँ। मैंने अपने फ़ोन से एक क्विक सी रील बनाई थी, डेफिनेटली मैं उसको फ्यूचर में अपलोड करूँगी, जिसमें मैंने ये अप्लाई करा था। वी हैव समथिंग फ्रॉम निक्स एज वेल। ये है निक्स की ब्राइट्स मैट लिक्विड आई लाइनर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लास्ट टाइम जब ये पिंक बॉक्स मेरे पास आया था ना, उसमें ब्लू कलर का आई लाइनर था निक्स का, और वो अभी तक मेरे पास रखा है। मैंने अभी तक उसका रिव्यू वीडियो नहीं बनाई। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में रोज मैं उसको देखती हूँ, मुझे लगता है आज शूट करूँगी, बट फिर रह ही जाता है। आई लव द पैकेजिंग का। ब्लू वाला भी बिल्कुल ऑल ब्लू कलर में आता है। आई लव द ब्रांड्स जो ऐसे कलर कोडेड पैकेजिंग करते हैं, बिकॉज जब बहुत सारा मेकअप होता है ना तो आप ढूंढ नहीं पाते। सो आई लव कलर कोडेड पैकेजिंग। सो दिस इज अ ग्रीन कलर का लाइनर। आई थिंक अब मुझे फ्यूचर में कोई मेहंदी लुक क्रिएट करनी होगी ना, मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाली हूँ। सो लेट्स स्वॉच इट। मेरा पूरा हाथ भर गया। इट्स अ वेरी प्रिटी लाइट ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर। आई थिंक ये समर्स में बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों में मैं बहुत कलर लाइनर्स लगाती हूँ। मैं बिल्कुल भी आई शेडो कुछ नहीं लगाती। जब मेरा मन करता है ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, मैं से अलग अलग कलर्स के लाइनर लगाती हूँ बिकॉज काफ़ी वो क्वर्की लगते हैं। ओके मूविंग ऑन टू मोर प्रोडक्ट्स। आई हैव सम फ्यू PR फ्रॉम नायका, तो मुझे लगा इसी में दिखा देती हूँ बिकॉज एक कंप्लीट हॉल एक बन जाएगा। ओके सो वी हैव 2 लिपस्टिक्स फ्रॉम न्यूड स्टिक्स। मुझे न्यूड स्टिक्स जो है इनकी लग्जरी कैटेगरी में आती है। नायका को जो भी लक्स वाली कैटेगरी है उनके प्रोडक्ट्स ऐसी वाली पैकेजिंग में आते हैं। सो न्यूड स्टिक्स इज अ इंटरनेशनल ब्रांड जो अभी आई थिंक लास्ट ईयर समथिंग लॉन्च हुई थी नायका पर, एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग कम्स। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टिक फॉर्म में आते हैं, इसलिए इस ब्रांड का नाम है न्यूड स्टिक्स। सो ये ऐसी कंटेनर में आती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज वी हैव मिरर ओवर हियर विच इज वेरी नाइस। मतलब इसको तो मैं अपने झुमकियाँ रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। देसी मी, आई लव टू रीयूज प्रोडक्ट्स बिकॉज अच्छी लगी यार मुझे पैकेजिंग। सो वी हैव लिपस्टिक्स ओवर हियर। सबसे पहले है What is the name of the lipstick? This is Nude Sticks की Intense Matte Lip Cheek Pencil Crayon. So basically this is in the shade Mystic. So you can use it on your lips, you can use it on your cheeks as well, and then we have sharpener as well. पूरी ये पैकेजिंग ऐसी आती है। इसके साथ हमें यहाँ पे ऐसे शार्पनर मिलता है। आप इसके अंदर ये पेंसिल को इंसर्ट करके शार्पन भी कर सकते हो। सो आई एम गोना ओपन 1 शेड। दूसरा वाला थोड़ा सा मुझे लाउड लग रहा है, मैं वो नहीं खोलने वाली बिकॉज फिर अगेन आई डोंट होल्ड प्रोडक्ट। मेरा ऐसा नहीं है कि अच्छा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सब खोल लो, सब यूज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज मुझे पता है कुछ दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सो मैं स्पेसिफिकली वही अपने लिए खोलती हूँ जो मुझे यूज़ करना होता है, एंड देन अदर्स आई जस्ट गिव इट अवे टू पीपल। सो दिस इज द शेड मिस्टिक जो मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूडिश कलर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स प्रिटी लाइट कलर है, न्यूडिश कलर है। काफ़ी बार एकदम जल्दी में डार्क लिपस्टिक लगा लो ना, फिर बाद में लगता है यार भाई डार्क हो गई, तो मैं हटाने की बजाय क्या करती हूँ, ऐसे लाइट न्यूड पेंसिल्स लेती हूँ और फिर उसको ओवरलाइन कर लेती हूँ और एक अच्छा कलर टोन बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका। नायका के बीच में एक छोटी सी सेल लगी थी स्किन समथिंग की, एंड आई वॉज नॉट हेयर। मैं अपने घर पर थी तो ये मेरा डील मिस आउट हो गई थी, सो इसलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास आए थे केमिस्ट एट प्ले के प्रोडक्ट्स। वी हैव 2 हेयर, 2 और थे जो आई थिंक पता नहीं कहाँ रखे हैं। दिस इज द डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। इसके अंदर 4% लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन E। दिस इज क्वाइट कंसनट्रेटेड। अगर आपको बॉडी एक्ने है ना तो आपको ऐसे बॉडी वॉशेस डेफिनेटली यूज करने चाहिए बिकॉज ये जो केमिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं ना ये एक्ने के साथ फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब वो जमाना गया सोप्स लगाने का, बिकॉज सोप्स मुझे थोड़े से अनहाइजेनिक लगते हैं। अगर बैक एक्ने बहुत ज़्यादा है ना तो सोप मत यूज़ करना, उसकी बजाय ऐसे बॉडी वॉशेज यूज़ करो जो अच्छे से केमिकली एक्सफोलिएट करें आपकी बॉडी को। सो या आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। इट it gently exfoliate dead skin cells, smoothen rough and bumpy skin. समर्स में तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बिकॉज समर्स में बहुत ज़्यादा से बैक एक्ने हो जाते हैं पसीने की वजह से. देन नेक्स्ट अप वी हैव AHA बॉडी लोशन. सो अगेन दिस इज केमिकल एक्सफोलिएंट बेस्ड बॉडी लोशन. ये भी डेली यूज के लिए है. इसमें 5% AHA है, नाइसिनामाइड है, शिया बटर है. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आई रियली लाइक द पैकेजिंग. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड आई थिंक 2, 3, 4 पता नहीं कितने साल पहले मैंने इसका रिव्यू किया था यूट्यूब पर. काफ़ी बार तो बड़ी ओल्डी फीलिंग आती है कि मैं इतने साल से यूट्यूब पे हूँ, ग्रोथ मेरी चाहे बड़ी बहुत स्लो सी रही हो, बट यार मैंने बहुत पहले इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू किया था. तब तो मेरी डर्मैट की रिकमेंडेशंस ही चल रही थी बिकॉज जब मैं 21-22 की थी, जब PCOD मुझे हिट किया था, मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ने भर गए थे, तो मैं तब वही यूज़ करती थी जो मेरा डर्मैट मुझे बोलता था. तब मेरा डर्मैट दूसरा था. सो उन्होंने मुझे रिकमेंड करी थी LA शील्ड की सनस्क्रीन जेल SPF 40. एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी हैवी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन. मैं इसको खोल के भी आपको दिखाती हूँ बिकॉज ये तो मैं यूज़ करने वाली हूँ. ये मुझे काफ़ी अच्छे सूट होती है, आई नो. सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज. ये काफ़ी लाइक इट्स क्वाइट हाई ऑन सिलिकॉन. सो अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए कोई अच्छी सनस्क्रीन देख रहे हो ना, आप ये ट्राई कर सकते हो बिकॉज सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन लगाने का यही फायदा होता है, आपका जो फेस होता है ना वो काफ़ी इवन टोन हो जाता है. जो भी स्कारिंग होती है, एक्ने एंड ऑल होता है, एकदम स्मूथ आउट हो जाता है. तो उसके ऊपर अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर कंसीलर भी लगाओगे ना, यू आर गुड टू गो. आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं होती बिकॉज ये जो सनस्क्रीन है ना, ये लिटरली प्राइमर की तरह ही वर्क करती है. दीज आर लाइक हैवी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन. द ओनली कॉन इज इसको हटाना बहुत अच्छे से पड़ता है. जो ऐसी हैवी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन होती है ना, इसको रिमूव करने के लिए आपको ऑयल क्लेंजिंग करनी होती है बिकॉज अदरवाइज ये नहीं निकलेगी, ये माइसलर वाटर से नहीं जाने वाली. सो या अगर आप स्मूथ बेस चाहते हो बिफोर योर मेकअप, आप ऐसी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो. मॉइस्चराइजर भी मैंने यूज किया हुआ है. अगेन डर्मैट रिकमेंडेड. बहुत सारे डर्मैट्स टीनेजर्स को भी यही मॉइस्चराइजर सजेस्ट करते हैं. अगर आप स्कूल गोइंग हो ना तो प्लीज ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करो बिकॉज इसके अंदर SPF भी है. इट हैज SPF 30. दिस इज मॉइस्चराइजर विद माइक्रो एनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन एंड दिस इज द एपिसॉफ्ट AC मॉइस्चराइजर. एपिसॉफ्ट इज अ ब्रांड जो डर्मैट्स भी रिकमेंड करते हैं. अगर आप किसी अच्छे डर्मैट के पास जाओगे वो बोलेंगे कि एपिसॉफ्ट का फेस वॉश ले लो, एपिसॉफ्ट का मॉइस्चराइजर ले लो, ताकि आपके एक्ने थोड़े कंट्रोल हो जाएं. सो यार दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने बहुत पहले फीचर करी हुई है. आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी डर्मैट रिकमेंडेड सनस्क्रीन और समथिंग, मैंने उसमें फीचर करके दिखाई थी. इट्स लाइक अ बेसिक जेल लाइक क्रीमी लाइट मॉइस्चराइजर. काफ़ी लाइट है, बहुत जल्दी स्किन में ब्लेंड हो जाती है. मतलब बिल्कुल ही जैसे इसका नाम है ना, इनकैप्सुलेटेड मॉइस्चराइजर भी है लेकिन एक सनस्क्रीन का काम भी कर रही है. लेकिन SPF 30 है, ज़्यादा हाई नहीं है. तो अगर आपका थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर है, लाइक आप घर में रहते हो, विंडो से बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, तो उस केस में आप ये सनस्क्रीन ले सकते हो बिकॉज SPF 30 इज गुड फॉर एट होम यूसेज. आपको अलग से कोई हैवी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है. सो या दिस इज नाइस फॉर एवरीडे बेसिस. यू कैन डेफिनेटली बाय इट. एंड ये तो आप केमिस्टल हो गए, आपको कभी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला. अगर ये Nykaa पे थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट पे होगी तो डेफिनेटली बाय इट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम पिंक फाउंड्री. है पिंक फाउंड्री का एक्ने केयर हीलिंग जेल मॉइस्चराइजर. सो दिस इज अ मॉइस्चराइजर स्पेसिफिकली फॉर एक्ने प्रोन स्किन. काफ़ी लड़कियां पूछती है ना, एक्ने स्किन के लिए कोई मॉइस्चराइजर बताओ. दे यू गो, प्रॉपर एक मॉइस्चराइजर बना हुआ है. इट हैज 2% स्क्वॉलिन, 3% नाइसिनामाइड, टी 3 C का एक्सट्रैक्ट. ये हाइड्रेट करता है, रिपेयर करता है स्किन को. दिस इज फॉर नॉर्मल सेंसिटिव ऑयली कॉम्बिनेशन. सो इन्होंने ऑल स्किन टाइप नहीं लिखा है, इन्होंने स्किन टाइप्स ही बता दी. ये नॉर्मल को भी सूट करेगा, सेंसिटिव को भी सूट करेगा, ऑयली को भी, कॉम्बिनेशन को भी. एंड दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक. आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ पिंक फाउंड्री. एकदम लग्जूरियस फील देते हैं. मैंने पिंक फाउंड्री का वो लोशन यूज़ किया हुआ है जो बिल्कुल मारियो बेडेस्कू का आता है ना. इट इज़ लाइक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मारियो बेडेस्कू 1. ऐसे बॉटल में आता है, आप उसके अंदर ऐसे Q-टिप डालोगे पूरा नीचे तक एंड देन यू कैन अप्लाई एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट. वो मैंने यूज़ करी है. दैट इज एक्चुअली वेरी गुड. मैंने मारियो बेडेस्कू भी यूज़ किया एंड आई कैन टेल यू कि वो एक्जैक्ट ड्यू पे उसका. तो अगर वो सेल पे अवेलेबल होगा ना, आप डेफिनेटली ले सकते हो. फाइनली वी आर डन विद द हॉल. काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी आई एम श्योर, बट यू गाइस लव माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़. इस साल का मेरा रेजोल्यूशन भी यही है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बनानी है. सो इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लीज़ चेक कर लेना. जो भी डील्स होंगी, मेरे पर्सनली जो रिकमेंडेशंस होंगे अलग अलग ब्रांड में से, मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो प्लीज़ चेक करना. दोज आर एफिलिएट लिंक्स. इट हेल्प्स मी अर्न अ लिटिल बिकॉज ये वीडियो स्पॉन्सरशिप में नहीं है, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से बनाई है. तो थोड़ा बहुत मुझे भी कमाने दो. शॉप फ्रॉम माई लिंक्स प्लीज़. एंड इसके अलावा मैं रिकमेंडेशन करने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर. मैं इंस्टाग्राम पर Q&A करूँगी. अगर आपको किसी का भी स्वॉच देखना है, किसी का रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ कन्फ्यूज हो मेकअप में क्या लेना है, स्किन केयर में, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो. वहाँ पर मैं आपको अच्छे रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ. एंड या विद दैट आई एम डन विद दिस वीडियो. आई होप यू लाइक डिट. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड फ्यूचर में आपको किसी वीडियो का कोई सजेशन देना है, कोई रिकमेंडेशन देना है, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, तो प्लीज़ वही मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना. आई ऑलवेज रीड ऑल योर कॉमेंट्स. सो या इज इट. बाय.